यदि आप अनियन भाजी या मेदू वड़ा खाने के शौकीन हैं, तो इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। ये इतना आसान और टेस्टी नाश्ता है कि घर में रखे सामान से बिना किसी तामझाम के सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं सीमा आपका मेरे चैनल शहजादीज किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। टू इन वन क्रिस्पी और टेस्टी मैजिक वड़े को बनाने के लिए हमें 2 मीडियम साइज के प्याज की आवश्यकता होगी। इन प्याज को मैंने छील कर धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम इन्हें पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। ऐसा करने से इनके लच्छे भी पतले बनेंगे और वड़ा को शेप देने में हमें आसानी होगी। प्याज में जो ये येलो वाला पार्ट है, इसे भी काट कर हम निकाल देंगे। ऐसा करने से प्याज के लच्छे अच्छे से खुलेंगे। देखिए, प्याज को इस तरह से हमने काट लिया है। अब हम इन्हें आगे की प्रोसेस के लिए एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक के टुकड़े, 8 से 10 करी पत्ते, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून या स्वादानुसार नमक और 2 टेबल स्पून दही इसमें डालेंगे। अगर दही अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर दही डालने से इसका फर्मेंटेशन अच्छा होगा और इस नाश्ते का टेस्ट मेदू वड़ा के जैसा आएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर मिलाएंगे। ऐसा करने से प्याज के लच्छे खुल जाएंगे और साथ ही प्याज में जो पानी है, नमक मिक्स हो जाने से रिलीज होने लगेगा। देखिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम बस 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और नाश्ते के लिए फटाफट से चटनी बनाकर तैयार करते हैं। तो इसके लिए चटनी जार में डालेंगे 1 कटोरी नारियल। आप ताज़ा या सूखा कोई भी नारियल ले सकते हैं। साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर भुना हुआ चना, आधा कटोरी हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च के टुकड़े, 4 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून नमक और 2 टेबल स्पून दही और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसकी फाइन चटनी पीस लेंगे। तो देखिए, हमारी वड़े के लिए ग्रीन चटनी बनकर तैयार है। और यहाँ प्याज ने भी काफ़ी सारा पानी रिलीज कर दिया है। अब आप इसमें बाइंडिंग के लिए मैदा, गेहूं का आटा या बेसन किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया है। इसमें से थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। बाइंडिंग के लिए आप जो भी चीज़ लेते हैं, उसकी क्वांटिटी आपने जो प्याज लिए हैं वो कितना पानी रिलीज़ करते हैं उस पर डिपेंड करेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पूरा 1 कटोरी मैदा इसमें डाल लिया है। अब इसमें से थोड़ा पोर्शन लेकर लड्डू की तरह गोल करेंगे, फिर इसके बीचों बीच अंगूठे से होल कर लेंगे। ये हमारा एक वड़ा बनकर तैयार है। इसे तेज गरम तेल में डाल देंगे और इसी तरह से एक एक करके बचे हुए बैटर से वड़े बनाते जाएंगे और गरम तेल में डालते जाएंगे। सारे वड़े तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और धीरे धीरे इन्हें फ्राई करेंगे। ऐसा करने से ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे और हल्के होकर तेल में तैरने लगेंगे। 2 से 3 बार इनकी साइड को लटते पलटते हुए इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इस प्रोसेस में आराम से 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारे मैजिक वड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। गैस को अब हम बंद कर देंगे और इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे। साथ ही कढ़ाई में से 1 टेबल स्पून के बराबर गरम तेल ले लेंगे। इसमें थोड़ी राई, उड़द दाल और हींग को डालकर तड़का तैयार कर लेंगे और इसे ग्रीन चटनी में मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने टेम्पटिंग और क्रिस्पी वड़े बनकर तैयार हुए हैं। इन्हें आप बनाकर हरी चटनी और टमेटो केचप के साथ सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।